रहमान रहीम, हम अल्लाह के नाम से अपने सबक का आगाज करते हैं। वर्किंग हार्ड, मेहनत करना, सख्त मेहनत करना। तो हमने एक असूल सीखा था कि हम प्रोएक्टिव बनेंगे, हम पेशबंदी करेंगे। पेशबंदी का मतलब है अपना एक ज़िम्मेदार फ़र्द बनना, अपनी ज़िंदगी का खुद इंचार्ज बनना, सोच समझ के अमल करना और अपने रवैये और अपने एटीट्यूड को बेहतर करना। तो हम आज देखेंगे लुक और फिर अपने मुंह से कुछ वर्ड्स निकालेंगे ताकि हमारी जो है प्रोनंसिएशन बेहतर हो, और हम रीड करेंगे अपनी बुक को ताकि हमें हमारी रीडिंग स्किल्स बेहतर हों, और फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें समझ के आई। तो अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम आपस में एक दूसरे को बताएं कि हमने क्या समझा है। तो आज हम पोली की कहानी पढ़ेंगे। पोली इज़ लिटल रेड हैन। पोली एक छोटी लाल मुर्गी है। लिटल मीन छोटी, रेड मीन लाल, और हैन मुर्गी को कहते हैं। शी वॉन्टेड टू प्लांट सम वीट। वो चाहती थी कि कुछ गंदम के बीज बोए। वॉन्टेड चाहना, प्लांट बोना, और वीट गंदम को कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पोली की जगह शी आया है। शी इज़ अ प्रोनाउन, टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। ये हम रूल पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं कि फीमेल के लिए शी होता है। शी आस्क द कैट फॉर हेल्प। शी आस्क, उसने पूछा बिल्ली से, फॉर हेल्प, मदद मांगी कि वो बीज बोने में उसकी हेल्प करेगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, यानी वर्ब के साथ आस्क एक्शन वर्ड है और ईडी लगा दिया गया, तो ये आस्क बन गया पास्ट, यानी उसने पूछा, वो काम पहले कर चुकी है। द कैट डिड नॉट हेल्प। बिल्ली ने लिटल रेड हैन की मदद ना की। आपको पता है कि कैट इज़ फॉर बिल्ली, डिड नॉट उसने ना किया, डू करना होता है, और डिड नॉट क्योंकि पास्ट में चला गया, इसलिए पोली प्लांटेड द वीट हर सेल्फ। पोली ने, अब यहाँ पे पोली हर सेल्फ जो है, हर पोली की जगह इस्तेमाल किया गया है, प्रोनाउन है। पोली प्लांटेड द वीट हर सेल्फ, पोली ने गंदम खुद ही बोई। शी वॉन्टेड टू कट द वीट। जब गंदम का पौधा बड़ा हो गया, अब पोली ने सोचा कि उस गंदम को काट ले। She wanted to cut the wheat. Wanted चाहना, cut काटना, और wheat गंदम। She asked dog for help. उसने कुत्ते से मदद मांगी। The dog did not help. कुत्ते ने उसकी मदद नहीं की। Dog is for, dog का मतलब होता है कुत्ता। Help मदद करना। अब आप देखें कि ये past present से past tense में चेंज हुए हैं ed लगने से। Asked change to asked, प्लांट चेंज टू प्लांटेड, एंड वॉन्ट बिकेम वॉन्टेड। अब पोली कट द वीट हर सेल्फ, पोली ने गंदम खुद काट ली। तो कट जो है वो एक्शन वर्ड है, वर्ब इसको कहते हैं, जिसे हमें पता चलता है पोली क्या कर रही है। देन शी वॉन्टेड टू मेक ब्रेड। अब वो उसकी रोटी बनाना चाहती थी। आपको पता है कि रोटी गंदम से बनती है। अब उसने फार्म हाउस में जो बाकी रह गया, गाय बाकी रहेगी, उससे पूछा। शी आस्क्ड द काउ फॉर हेल्प। उसने गाय से मदद मांगी। द काउ डिड नॉट हेल्प। गाय ने भी उसकी मदद नहीं की, यानी उसने फार्म हाउस से हर एक से पूछ लिया लेकिन कोई उसकी मदद को तैयार ना हुआ। पोली मेड द ब्रेड हर सेल्फ, पोली ने बिलाकर रोटी भी खुद ही बना ली। वो किचन में गई, उसने आटा गूंदा, उसने ओवन ऑन किया और उसने रोटी खुद बना ली। अब आप ये देखें कि ये मेक से पास्ट टेंस में चेंज होने के लिए मेड बन गया, और ईट से एट, डू से डिड, तो ये इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनमें स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं। द कैट द डॉग द काउ वांटेड टू ईट द ब्रेड। काम करने के लिए तो कोई भी नहीं आया लेकिन रोटी खाने के लिए सारे तैयार हो गए। पोली एट हर सेल्फ, लेकिन पोली भी बड़ी चालाक मुर्गी है, उसने किसी को भी रोटी नहीं खाने के लिए दी, उसने
पोली ने रोटी खुद ही खाई, पोली एट हर सेल्फ, तो पोली ने रोटी खुद ही खाई। तो अब आप देखें कि इस स्टोरी में एक्शन वर्ड्स क्या हैं, आस्क पूछना, कट काटना, मेक बनाना और ईट खाना, वो वर्ड जो हमें एक्शन का बताते हैं उन्हें वर्ब्स कहते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वर्क हार्ड, किसी के ऊपर मत मदद मांगो, बल्कि कोई ना भी करे तो अपना काम मेहनत से करो। तो ये वीडियो आपके पास पाकिस्तान होम स्कूल चैनल की तरफ से पेश की गई।